कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहाँ की पूरी आवाम को धमकी दे के चले जाएँ, एक तरह से पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को चैलेंज दे के गए हैं। पंजाब के लोग, जैसा अभी मैंने मान साहब ने भी बताया कि जब से वो कह के गए हैं पंजाब में बहुत गुस्सा है, इसको लेके लोगों में बहुत गुस्सा है। सुबह से मेरे पास भी बहुत फ़ोन आ चुके कि अमित शाह जी समझते क्या हैं अपने आप को और वो पंजाब के लोगों को क्या समझते हैं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 MLA हैं, आपके 3 MLA हैं, आप इन 92 MLA को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे, आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे, सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने, क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब कि चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का? मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त करोगे? पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते, लेकिन इस तरह के धमकी और गुंडागर्दी करके करोगे तो ये देख लेना अमित शाह जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। इनका मकसद एक ही है, पंजाब में जो फ्री बिजली मिल रही है इसे खत्म करना चाहते हैं। पंजाब की फ्री बिजली को किसी भी हालत में बंद करना चाहते हैं। इस किस्म की धमकी ये दिल्ली में भी मेरे को देते हैं और अब पंजाब को धमकी देने पे उतर आए। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि फ्री बिजली चालू रखना चाहते हो तो 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके क्या क्या कर देंगे। आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करो, 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो, भगवंत मान साहब के यहाँ पे हाथ मजबूत करो ताकि केंद्र के साथ हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूत हो सकें। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहां पे सड़क पे कीले लगा दी, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से। मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें। संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ RDF का पैसा, जिससे कि गांव गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया है वो तो हद हो गई है, सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे
मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो, पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे।